मित्रांनो आपणास माहितच आहे मागच्या कोरोनाच्या काळामध्ये त्या कोरोनाच्या वातावरणामध्ये मागच्या वर्षी आजच्या दिवशी भाऊसाहेब लोखंडे आपल्यातून निघून गेले कोरोनाच्या आक्रमणामध्ये ते गारद झाले एक मोठं दुःख समाधान झालं आणि त्यांच्यासोबत 10-15 दिवसांनी प्राध्यापक डॉक्टर रत्नमालाताई लोखंडे या आमच्या मॅडमसुद्धा होत्या PWS मध्ये त्यासुद्धा या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये कोरोनाचं शिकार झाल्या दुःख झालं लोखंडे कुटुंबावर मोठं दुःख कोसळलं आंबेडकरी समाजावर दुःख कोसळलं समाजाचा चालता बोलता विद्यापीठ हरपला या भावना सर्वांनी व्यक्त केल्या परंतु या भावना जपत असताना पुढच्या पिढीला भाऊसाहेबांचं त्यांचं लेखन त्यांची वक्तृत्व त्यांचे विचार पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं जे व्हॅक्युम निर्माण झालेलं होतं ते व्हॅक्युम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या श्रद्धांजलीच्या सभेच्या माध्यमातून आपण करत आहोत आपण सहानुभूती व्यक्त करीत आहोत एक उच्च पदस्थ अधिकारी भारताच्या संविधान म्हणजे संसदेमध्ये कार्यरत असलेले अश्वघोष लोखंडे मागील 1 वर्षापासून ते आपल्या कुटुंबासोबत नोकरीची पर्वा न करता ते नागपूरमध्ये वास्तव्यास आहेत मित्रांनो वेळ घेणार नाही या ठिकाणी अशा या कार्यक्रमाला प्रास्ताविक म्हणून आयोजकांपैकी आमचे एक प्रस्ताव सर्वांना स्नेहपूर्ण जय भीम महाकारुणिक तथागत परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन ज्यांचा आठवण करण्यासाठी ज्यांना आपली श्रद्धासुमनं अर्पित करण्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित झाला आहात ज्यांच्या नसण्याची पदोपदी समाजाला जाणीव होते असं समाजाच्या रक्तामध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण करणारे डॉक्टर भाऊसाहेब लोखंडे यांनाही मी या प्रसंगी त्यांच्या प्रथम पुण्यानुस्मरणाच्या या प्रसंगी माझी श्रद्धांजली मी माझं अभिवादन करतो आजच्या या श्रद्धांजली सभेचे सन्मान्य अध्यक्ष प्राध्यापक रणजित मेश्राम साहेब डॉक्टर भाऊ लोखंडे यांच्या जीवनकार्याच्या संदर्भात आपल्याशी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत भाऊसाहेब लोखंडे यांच्या विद्यार्थी दशेपासून कालखंडापासून त्यांच्या सोबत त्यानंतर संपूर्ण समाजामध्ये समाजाचं वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यासाठी
स्वतःला राबवून घेणारे माननीय ताराचंद्र खांडेकर, अनेक पुस्तकांचे लेखक, समाजाला वेळोवेळी ज्यांचं मार्गदर्शन त्यांच्या पुस्तकातून त्यांच्या व्याख्यानातून लाभत असते, अनेक विद्यार्थी आंबेडकर विचारधारेमध्ये ज्यांच्या व्याख्यानाने प्रेरित झालेले आहेत, असे माझे मित्र डॉक्टर धनराज दहाट, भाऊसाहेबांचीच लाडकी कन्या नावही तिचं करुणा ठेवलेलं आहे, मूर्तिमंत करुणा या ठिकाणी उपस्थित आहे, ती करुणा मी कधी अश्वघोषांना पाहिलं नव्हतं, आज पहिल्यांदा बघतो आहे. या क्षणी भाऊंचा पुत्र सुपुत्र अश्वघोष लोखंडे, भाऊसाहेबांचं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी कसं होतं हे सांगायची मला आवश्यकता नाही आहे. आपण सर्वजण जाणता भाऊसाहेबांची एक्झिट या करोनाच्या कालखंडात, दुसऱ्या कालखंडात अगदी अचानकपणे झाली, कल्पना नसताना झाली. एखादी गोष्ट जी आपल्या रक्तात भिनलेली असते, ज्यांचं व्यक्तिमत्व अनेकांना प्रेरित करून गेलेलं असतं, असं व्यक्तिमत्व अचानक नाहीसं झाल्यानंतर, आपल्यातून निघून गेलं असं कळल्यानंतर जी सैरभैर अवस्था होते, तशी सैरभैर अवस्था त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या अनेकांची झाली. कुठलाही माणूस तथागतांचं वचन आहे की ज्याची सर्वत्र स्तुतीच होते अशाही प्रकारचा माणूस सापडणे शक्य नाही, ज्याची सर्वत्र निंदाच होते अशाही प्रकारचा माणूस सापडणे शक्य नाही. भाऊसाहेबांचं व्यक्तिमत्व अनेकांच्यासाठी अशा प्रकारचं होतं. काहींना ते आवडत होते, अगदी मनापासून आवडत होते, जीवापाड प्रेम करत होते. काही लोक भाऊसाहेबांची, भाऊसाहेबांच्या संदर्भात थोडंसं विरोधात्मकही बोलत होते, नाही असं नाही आहे. परंतु हा सगळा भाग लक्षात घेऊन देखील हे सगळं विरोधी वातावरण त्यांचं त्या काळातलं लक्षात घेऊन देखील भाऊसाहेबांच्या स्तुतीचं टोक इतकं उंच होतं की ती सगळी बाब कुठल्या कुठे नाहीशी झालेली आहे अनेकांच्या अंतःकरणातील. आणि आज भाऊसाहेब आज आमच्यात नाहीत याचं शल्य अनेकांना जाणवत आहे. जे त्यांच्यावर जीवाडवाड प्रेम करत होते त्यांच्या त्यांनाही, आणि ज्यांनी त्यांच्यावर प्रेम केलं नाही त्यांनाही आता असं वाटतं की आपण जीवनात फार मोठी उणीव आपल्या आयुष्यात ठेवलेली आहे, अशा प्रकारची जाणीव त्यांना होते. भाऊसाहेब अशा पद्धतीने, दोन्ही पद्धतीने लोकांच्या आठवणीत अगदी गच्च आहेत. मला माहिती आहे आम्ही काही कालखंड, मी स्वतः सांगतो, भाऊसाहेबांच्या गुड बुकमध्ये नव्हतो, परंतु अलीकडच्या कालखंडामध्ये भाऊसाहेबांनी अंतःकरणापासून इतकं प्रेम केलं, इतकं प्रेम केलं की निश्चित मित्र हो, भाऊसाहेबांचा जेव्हा सत्कार झाला देशपांडे हॉलमध्ये 75व्या त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांचा सत्कार झाला, त्या सत्कारात त्यांना जे मानपत्र देण्यात आलं, त्यांचा अचानक फोन आला, गुरुजी माझं मानपत्र तुम्हालाच लिहायचं आहे. आश्चर्य वाटलं.
एकदा मनातून हे ढगाळ वातावरण नाहीसं झालं आणि स्वच्छ अशा प्रकारचं आकाश झालं की कसं अंतःकरण स्वच्छ होतं त्याचं ते उदाहरण होतं मी लिहून दिलं आणि त्यांनी त्यावर कॉम्प्लिमेंटही दिलेली होती. असे भाऊसाहेब अगदी स्वच्छ मनाने प्रेम करणारे, काय काय नाही दिलं समाजाला त्यांनी, समाजाला सांस्कृतिक पर्यावरण त्यांनी उपलब्ध करून दिलं, समाजाला साहित्यिक पर्यावरण त्यांनी उपलब्ध करून दिलं, समाजाला वैचारिक पर्यावरण त्यांनी उपलब्ध करून दिलं. समाजात ज्या ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, ज्या ज्या वेळी आता आपलं मूक राहणं योग्य नाही असं जेव्हा जेव्हा वाटलं तेव्हा तेव्हा समाजाचं जे सत्य स्वरूप आहे आणि समाजाची जी अस्मिता आहे ती अभिव्यक्त करण्यासाठी, ती लोकांमध्ये प्रसारित करण्यासाठी भाऊसाहेबांनी आपल्या वाणीचाही उपयोग केला आणि आपल्या लेखणीचाही उपयोग केला. काय करू आता धरुणी या भिड निशंक हे तोंड उघडिले. मूकनायकामध्ये बाबासाहेब भाऊसाहेबांचं तसं होतं, त्यांनी कुणाचीही मुरवत केली नाही. जे आहे सत्य हे सत्याच्याच पद्धतीने सांगितलं पाहिजे असं मानणाऱ्यांपैकी भाऊसाहेब होते. आवाज इंडिया TV वर त्यांच्या या अलीकडच्या कालखंडात अनेक त्यांची व्याख्यानं झालीत, अनेकदा त्यांना पाहिलं. आताही कधी कधी ते दाखवतात तेव्हा भाऊ साक्षात तिथे आपल्याशी वार्तालाप करत आहेत अशा प्रकारची जाणीव होते. अशी माणसं कालकथित होत नसतात. भाऊसाहेबांना दिवंगत, भाऊसाहेबांना स्मृतिशेष असं म्हणताना कसंच तरी वाटतं. ते त्यांच्या अनेक पुस्तकांच्या रूपानं, त्यांच्या लेखांच्या रूपानं, त्यांनी दिलेल्या ज्या मुलाखती आहेत, त्यांनी दिलेली जी भाषणं आहेत, त्यांच्या रूपानं भाऊसाहेब समाजाचं आजही मार्गदर्शन करत आहेत असं मला स्वतःला वाटतं. मी अधिक वेळ न घेता भाऊसाहेबांचं जे इथून म्हणजे जाणं आहे ते आम्हाला हळहळून सोडणार आहे, परंतु तेवढंच ते उत्तेजक आणि प्रेरणादायी आहे. त्या प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाला मी माझ्या सर्व मित्रमंडळींच्या वतीनं, माझ्या सर्व समाजबांधवांच्या वतीनं त्यांच्या या प्रथम पुण्यस्मरणाला मी विनम्र अभिवादन करतो आणि आपल्याला जाणतो जे मी. मित्रांनो, यानंतर दिनेश अंडर सहारे याला विनंती करतो, त्यांनी हिंदीमध्ये 2 मिनिटात श्रद्धांजली अर्पण करा. बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तमाम महापुरुषों को विनम्र अभिवादन. प्राध्यापक डॉक्टर भाऊ लोखंडे साहब, इनके स्मृति में आज इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और सम्माननीय सभा मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम प्रबुद्ध नागरिकों, पिछले वर्ष कोरोना नामक एक महामारी के आगोश में समाकर प्राध्यापक डॉक्टर भाऊ लोखंडे हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें स्मृति से इस कहने में सही में मन अचकता है, जबान लड़खड़ाती है. एक जिंदादल व्यक्तिमत्व, एक ओजस्वी प्रखर वक्तृत्व शैली के धनी, बहु आयामी व्यक्तिमत्व के वे मालक थे. उनको सुनने दूर दूर से लोग चले आया करते थे. उनके उर्दू के शब्दों का उपयोग या शेरो शायरी से लोग उनकी बताई हुई बातों को आसानी से समझ सकते थे. वे साहित्यिक थे, लेकिन आम जनता के बीच में जब भी वे बात करते थे तो वह आम जनता को आसानी से समझने लायक के शब्दों का उपयोग करके
वे खुले आंबेडकरी आंदोलन की विचारधारा को लोगों के मनोमस्तिष्क में पहुंचाने के लिए वे बहुत कारगर वक्तृत्व के रूप में अपनी बात रखते थे। उनके जाने से निश्चित ही नागपुर महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश में खुले आंबेडकरी आंदोलन की अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग पैदा होते हैं जो समाज के पथ प्रदर्शक बनकर या मार्गदर्शक बनकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, मूवमेंट को, मिशन को, आंदोलनों को उत्साह देते हैं। उन्होंने अपना जीवन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन अर्थात रिपब्लिकन आंदोलन को मजबूत करने से शुरुआत की और लगातार वे सिर्फ स्टेज पे ही गरजते बरसते नहीं थे तो वे सभा सम्मेलनों के अलावा भी वे रस्ते पर उतरकर धरने मोर्चे आंदोलनों में भी शामिल होते थे, आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पीते थे, चर्चा करते थे, मार्गदर्शन करते थे। उनके जाने से समाज की फुले शाह आंबेडकर आंदोलन की जो हानि हुई है, हम आशा करते हैं कि हम लोग उनके जाने के बाद ऐसा व्यक्तिमत्व फिर से आए। अभी पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने वोटिंग किया और अपनी बच्ची के साथ बाहर निकले, मुझे आवाज़ दिया, मैं भीड़ में था, ये ऑटो लाने के लिए मुझे कहा और ये ऑटो आने तक वो मुझसे कह रहे थे कि दिनेश काही दिवस कसे दिवस आले की आता आपल्याला काँग्रेसचे ओझे व्हावं लागत आहे आपल्या नेत्यांच्या चुकीमुळे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ उनका ये अंतिम संवाद था, लेकिन उनकी ये जो भावना है, उनकी जो अपेक्षा थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अगर हम लोगों ने सही तरीके से आने वाले समय में समाज के अंदर प्रस्थापित कर सके तो एक उनके प्रति उनके आदरांजलि होगी। इस सभा में मैं रिपब्लिकन जनता की ओर से, रिपब्लिकन परिवार की ओर से उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं, विनम्र आदरांजलि पेश करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय अशोक घोष बाबूसाहेब लोखंडे जे संसदेमध्ये मोठे एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहेत, लोकसभेमध्ये ते कार्य करतात, त्यांना थोडक्यामध्ये बाबांबद्दल दोन शब्द बोलतील अशी मी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सबको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा है, जीवन भर अपने पिता को स्टेज से बात करते देखता था, सुनता था और आज वो जब नहीं है तो उनके बारे में मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। एक फैज अहमद फैज साहब की एक गज़ल है, उसके कुछ शेर मैं अध्यक्ष साहब की अनुमति से यहाँ पेश करना चाहूँगा। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। वाइस है न जाहिद है, नासे है न कातिल है, अब शहर में यारों के किस तरह बसर होगी। उनका जो सोशल वर्क था, जो सामाजिक कार्य था, आंबेडकरी मूवमेंट को उनका जो योगदान था, उसके बारे में बात करने के लिए जिनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया, वहाँ यहाँ वो सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा जस्टिफाइड होगा कि वो उनके बारे में बात करें और वो जब कहेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। मैं उनका पुत्र होने के नाते अपनी कुछ पर्सनल बातें बोलना चाहूँगा कि मेरा उनके साथ कैसा अनुभव था। मेरे पिता थे, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, वो महापुरुषों के साथ काम करके भाग्यशाली होते हैं, और मेरे जैसे कुछ होते हैं जो उनके घर में पैदा होते हैं तो भाग्यशाली होते हैं। तो मैंने उनसे क्या सीखा, कभी उन्होंने हमको एक डॉगमा जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी जो प्रथा आया, ऐसा रूढ़िवादी कोई भी विचार उन्होंने हमको दिया नहीं। कभी भी उन्होंने हमको बोला नहीं कि ऐसा करो वैसा करो। एक नज़रिया जो होता है किसी भी बात को समझने का, मैंने उनसे वो नज़रिया सीखा, समाज को समझने का, बाबा साहब को समझने का, गौतम बुद्ध को समझने का और आंबेडकरी फुले विचारधारा को समझने का जो नज़रिया है वो उन्होंने हमको दिया। उस नज़रिए से हमने उसको देखा और उन्होंने हमको सारी विचारधाराओं को समझने के लिए आसान कर दिया उसे। तो मैंने उनसे वो नज़रिया सीखा। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार नौकरी लगी थी तो उनके पहले शब्द थे
कि बेटा अपने टेबल के सामने किसी को भी खड़ा मत रखना, मतलब अगर तुम अफसर बनते हो तो अपने टेबल के सामने कभी किसी को अपने काम के लिए खड़ा मत रखना। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो उनके बारे में कितना भी कहूँ तो कम है, और उनका जो उनकी जो ताकत थी, उनकी जो निडरता थी, जिस निडरता से उन्होंने काम किया, अम्बेडकरी मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उस कारवा को आगे लेके गए, वो आप सभी उसको जानते हैं, आप सभी ने उसका अनुभव किया है। मैं उसके बारे में अलग से कुछ बोलूँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध वक्ता ऑलरेडी है जो उनके बारे में कहेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, जो वो समय कुछ ऐसा था, कोरोना का समय कुछ ऐसा था कि उस समय सगे सगे के पास नहीं आ पाए हम, किसी के काम नहीं आ पाए, और यहाँ ऐसा कोई नहीं खड़ा होगा जिसके घर में किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। पर वो समय ऐसा भी था जब हमको उस वक्त बुरा लगता था कि कोई हमारे लिए आया नहीं या हम किसी के लिए जा नहीं पाए। पर आज एक साल के बाद मैं ये काफ़ी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि मैं उससे निकल चुका हूँ, और मैं उन लोगों को चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे जिनके साथ मैंने अगर कोई कटुता से पेश आया होगा, या मैंने कोई मेरे साथ कटुता से पेश आया होगा तो मैं भी उसको भूल चुका। बाबा के विचारों को अब एक आगे जाने का जो रास्ता है वो यही है कि बाबा ने जो बाबू साहब ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलकर ही उस उनका जो सपना है हम पूरा कर सकते हैं। उनके जैसी पर्सनालिटी, उनके जैसा वक्ता, समाज को जितनी बड़ी उसकी हानि हुई है, परिवार को तो हुई है पर वो एक पर्सनल लेवल पे है, लेकिन समाज का जो नुकसान है उसकी भरपाई हम ही से होगी। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ये बाबा अपने भाषण में कई बार इस्तेमाल करते थे, मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, उनको सुन के जो मैं जाना समझा। और उसी दौर में मैं अपने उन साथियों का भी इस मंच से स्वागत करना चाहूँगा, उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगा, वो लोग जो मेरे साथ उस समय खड़े रहे। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा आपकी इजाज़त हो तो, मेरे दोस्त संदीप, तारिक, मेरा परिवार। परिवार तो परिवार से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहीं रहेंगे, परिवार हम विरासत में पाते हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ हरदम खड़े रहें, लेकिन दोस्त हम बनाते हैं, दोस्त हम पाते हैं। मैं उन दोस्तों को, अपने परिवार के अलावा उन दोस्तों को शुक्रिया बोलना चाहूँगा जो मेरे साथ उस समय खड़े रहे, पत्थर की तरह खड़े रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे। संदीप, तारी, दिव्या, श्रेष्ठा, मेरी बहनें, ये सारे लोग उस समय मेरे साथ खड़े रहे, जो मेरे चारू, मुकेश, वैली, बहुत सारे में ऐसे अनगिनत नाम हैं जो ले लूँ लेकिन फिर भी कम है। मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ, और इसी माध्यम से, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही हमने अपनी माता जी को भी खोया। मेरी माता जी ये कहती थी जब हम छोटे थे तो, बेटा जब भी दोस्ती करोगे तो उसकी जात, धर्म या लिंग भेद, इसका कभी ध्यान रख के दोस्ती मत कर। और जीवन भर मैंने वो ध्यान रखा, और उसी सीख का फल है जो इस कठिन समय पे जो मेरे दोस्त काम आए, वो उसी सीख का फल है। अंत में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला, हमारे परिवार को जो प्यार मिला है, और ये उम्मीद करता हूँ कि भाऊ साहब के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल सकूँ, खड़ा उतर सकूँ। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक फिर से एक शेर बोलना चाहूँगा जो भाऊ साहब अपने भाषणों में हरदम बोलते थे ख़त्म होने से पहले। हर फूल हर कली जले, बहर ना जले, हर रग हर नस जले, जिगर ना जले, अगर जलती है दुश्मनी तो जल जाए, दोस्ती ना जले। ऐ दोस्तों, ऐ बाबा साहब के भारत के दीवानों, तुम जलो या मैं जलूं, पर भारत की कोई भी बस्ती ना जले। जय हिंद, जय भारत।